25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे का दिन है और आज इस खास मौके पर सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरी दुनिया में पूरे हर्ष और उल्लास से क्रिसमस डे का त्योहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। घरों में बच्चे सेंटा क्लॉज बनकर मस्ती करें, उन्हें गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं और आज के दिन पर बड़े लोग भी मस्ती करने का कोई मौका खाली नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, पवन अरू की बात करें, पवन अरू भी आज कुछ खास अंदाज में नजर आए, जिनकी फोटो देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर इनकी क्रिसमस डे की फोटोज खूब वायरल हो रही है। पवन भी सेंटा क्लॉज की कैप पहनकर अरुणिता के साथ मस्ती करते नजर आए। आज पवन अरू दोनों ने बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। इनकी कुछ फोटो सामने आ चुकी हैं, जिसमें पवन सेंटा क्लॉज की कैप में बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अरुणिता ने भी अपने घर को बड़े ही खूबसूरती से सजाया। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस डे पर घर में सजावट की जाती है, अरुणिता भी बलून से घर सजाने में लगी हुई है। अरुणिता बलून्स को ब्लो कर रही है। आप तो जानते ही हैं कि पवन अरू इस वक्त उत्तराखंड में एक साथ हैं। पवनदीप ने अरुणिता को वादा किया था कि वो उन्हें उत्तराखंड एक दिन जरूर घुमाएंगे और जैसे ही पवनदीप अरुणिता काम से फ्री हुए, वो फौरन उत्तराखंड घूमने निकल गए थे। ये केदारनाथ बाबा के दर्शन भी करते, लेकिन इस वक्त बाबा के कपाट बंद रहते, इसलिए आसपास के मंदिरों में घूमे। ऋषिकेश गए, नैनीताल और देहरादून भी घूमे और लगातार ये इधर से उधर घूम ही रहे, अरुणिता के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। वेल, और इनकी पिक्चर्स आने वाली है जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी पवन अरू को लेकर अपनी राय जरूर दें। पवनदीप अरुणिता का उत्तराखंड से एक और खूबसूरत वीडियो निकल कर सामने आ गया है। हालांकि अभी इनके कोई भी फोटो या वीडियो शेयर करने से मना किया गया है, लेकिन फैंस कहां आने वाले, फैंस को जहां इनकी एक झलक दिखती है वो फौरन सोशल मीडिया पर तहलका मचा देते हैं और एक बार फिर फैंस का दिल खुश कर देने वाली वीडियो सामने आ गई है। इस वक्त पवन अरू उत्तराखंड में घूम रहे हैं। पहले ये दोनों केदार घाटी गए थे, फिर ये चंपावत अपने घर गए थे और अब ये नैनीताल होते हुए देहरादून के लिए निकल चुके हैं। यहाँ ये जिस भी होटल में रुके हैं, उन लोगों ने इन्हें पहचान लिया और फिर इनके साथ खूब मौज मस्ती की, इनका अच्छी तरह से स्वागत किया, मेहमान नवाजी निभाई। इसके अलावा पवन अरू यहाँ के फेमस स्टूडियो में भी जाते हैं और यहाँ लोग इनसे गाना गाने को कहते हैं। पवनदीप को हारमोनियम बजाते देखा जाता है। पवनदीप इस फैमिली के साथ खूब टाइम स्पेंड करते हैं। इस घर में एक बच्ची को देखकर अरुणिता तो बिल्कुल पागल जाती है। वो बच्चे को गोद में लेकर खिलाने लगती है, बच्ची भी अरुणिता में पूरी तरह से मगन हो जाती है। पवनदीप और अरुणिता कुछ देर के लिए बच्चा बन जाते हैं और इस बच्चे के साथ कब इनका पूरा वक्त निकल जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता है। वीडियो में अरुणिता पवन के साथ पहाड़ी गाना गाती दिखाई दे रही है। अब पवनदीप तो पहाड़ के हैं, तो उनके लिए पहाड़ी गाना गाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अरुणिता के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज अरुणिता ने इसे भी आसान बना दिया है, वो पवनदीप के साथ सुर मिलाकर पहाड़ी गाने गाती देखी गई। लोग अरुणिता को देखते रह गए क्योंकि अरुणिता ने वाकई में कमाल कर दिया। उन्हें पहाड़ी गाना गाने सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और पूरी तरह से वो पवन में मिल चुकी है। पवन अरुणिता का एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यकीनन आपको भी अपने पार्टनर की याद जरूर आ जाएगी, क्योंकि ऐसा लाड़ प्यार शायद आपको भी करने वाला मिला होगा या मिली होगी शायद। और आप ये भी कहेंगे कि ये लोग शादी क्यों नहीं कर लेते, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। तो चलिए हम आपको वो वीडियो दिखाई देते हैं, दिल थाम कर बैठिए। वीडियो में देखिए पवन अरू स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करवाते हैं, तभी टीम का एक शख्स पवन को लेकर ऐसी फनी बात बोलता है कि अरुणिता अपनी हंसी ही नहीं रोक पाती है। जी हाँ, टीम का एक शख्स पवन से कहता है कि भाई तुम कभी हंसते क्यों नहीं हो, इतने सीरियस क्यों रहते हो, क्या पास में अरुणिता से करंट लग रहा है। अब इस बात के बाद तो पवन मुस्कुराते ही रहते हैं और अरुणिता का जो हाल होता है वो आप खुद वीडियो में देख लीजिए। अरुणिता हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है, वो हंसी की वजह से ये तक नहीं जान पाती है कि उनका सर कहाँ जा रहा है और हाथ पर कहाँ जा रहे हैं। वो हंसते हंसते पवन के सीने तक पहुंच जाती है और इनके सीने पर सिर रख लेती है। पवन भी अरुणिता में खो जाते हैं और मजाक को भूल कर अरुणिता का क्यूट चेहरा देखने लगते हैं। अरुणिता हाथ पैर पटक पटक कर हंसती हैं, गाने को रिकॉर्ड कराने से रुक जाती हैं। कुछ देर के लिए पूरे हॉल में हंसी गूंजने लगती है, हर कोई अरुणिता का ये पागलपन देखने लगते हैं और पवन की नजरें तो अरू से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि अरुणिता इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उन्हें नहीं पता होता है कि वो गाना रिकॉर्ड करवा रही है
और कितने लोगों के बीच में खड़ी है। सबके सब अरुणिता को देखते रह जाते हैं क्योंकि अरुणिता की हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। इस मौके पर अरुणिता ब्लू टॉप और जीन्स पहने होती हैं, जबकि पवनदीप व्हाइट कुर्ता पैजामे में होते हैं। पवन की नजरें अरुणिता पर ही टिकी रहती हैं। वो खुद सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और पहली बार वो अरुणिता को इस रूप में देख रहे हैं, इतना हंसते देख रहे हैं। अगर आपको भी अरु का ये क्यूट वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। पवन अरु इस वक्त उत्तराखंड में फुर्सत का वक्त बिता रहे हैं। अब तक चंपावत से पवनदीप अरुणिता के कई सारे वीडियो सामने आ चुके हैं। कभी मंदिरों में ये पूजा करते दिखाई देते हैं, तो कभी पवन अपने घर में अरुणिता के साथ आग तापते हुए रोमांटिक गाने का आनंद उठा रहे हैं। अब तो इनका एक और क्यूट वीडियो सामने आ गया है, उसने तो भाई सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, पवन अरु का ये क्यूट वीडियो ऑक्टोपस स्टूडियो की तरफ से शेयर किया गया है, जो कि पुराना है, लेकिन शेयर अब किया गया है क्योंकि इस वक्त ये दोनों उत्तराखंड में और ऑक्टोपस टीम के लोग इन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। इन्हें मिस करते हुए ऑक्टोपस की टीम ने इनकी ये वीडियो शेयर की है। ये वीडियो इनके मंजूर दिल गाने की शूटिंग के वक्त की है। पहले ये दोनों स्टूडियो में इस गाने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस की वजह से अरुणिता ने सुबह सुबह कोई मेकअप भी नहीं किया है, ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी सोकर उठी हैं। इस प्रैक्टिस के बाद पवन अरु मौज मस्ती भी खूब करते हैं और यहाँ इनकी मस्ती खूब देखी जा रही है। इस क्यूट वीडियो में पवन अरुणिता को रूम से बाहर जाने के लिए रोकते हुए उनकी कमर में दुपट्टा फंसा देते हैं और अरुणिता रुक जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अरुणिता भी पवन की हरकतें देखकर चेहरे के एक्सप्रेशन देने लगती हैं और इनके एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि ये दोनों कुछ कहना चाहते हैं। इस वीडियो में दोनों बहुत करीब होते दिखाई दिए। इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री वाकई फैंस को बहुत पसंद आती है, लेकिन शायद इन्हीं सभी सीन की वजह से अरुणिता के पेरेंट्स ने अरु को पवन के साथ एक्टिंग करने से मना कर दिया था। वेल, ये तो आगे पता चल ही जाएगा कि अरुणिता क्या अब भी पवन के साथ एक्टिंग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जिस तरह से अरुणिता अकेले पवनदीप के घर में वक्त बिता रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अरुणिता के पेरेंट्स को फिर से फैसला बदलना होगा और वो इस बार अरुणिता एक्टिंग करने की मंजूरी दे देंगे। वेल, आप इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे?